स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आईटीआई मद्रास में मुस्लिम समुदाय की छात्रा द्वारा की गई आत्महत्या मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का आरोप है कि प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि छात्रा को संस्थान के प्रोफेसर द्वारा धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। छात्र संगठन का आरोप है कि यह कोई पहला मामला नहीं जब शैक्षणिक संस्थान में धर्म और जाति के नाम पर उत्पीड़न का मामला सामने आया हो। छात्र नेताओं का कहना कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आईआईटी मद्रास में मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाली छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद छात्र संगठन एसएफआई ने इस मामले की जांच की मांग को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्राथमिक जांच में पाया गया है कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर द्वारा उस छात्रा को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में आए दिन धर्म और जाति के नाम पर विद्यार्थियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिस कारण विद्यार्थी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रोफेसर पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं सामने न आए। आईटी मद्रास के अंदर जो फातिमा नाम की लड़की है जो सुसाइड कमिट कर लेती है उसके विरोध में जो है धरना प्रदर्शन करने जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर आए दिन जो है धर्म के नाम पर जाति के नाम पर जो है छात्रों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस वजह से क्या है आज जो है छात्र जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आईआईटी मद्रास के अंदर भी एक ऐसा इशू हम लोगों के सामने देखने को मिला है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखने वाली लड़की आसिफा क्या है आत्महत्या जो है वो कर लेती है। उसके आत्महत्या करने के पीछे अभी तक जो रीजन पता चले हैं कि एक प्रोफेसर जो है उनको उनके धर्म के नाम पर जो है वो प्रताड़ित करते थे, जिस कारण क्या उन्होंने खुदकुशी की है। आईआईटी मद्रास के अंदर ये कोई पहला इशू नहीं है जहां पर जो है लड़की ने सुसाइड किया है। आज से पहले भी इस एक साल के पीरियड के अंदर जो है 5 जो स्टूडेंट है वहाँ पर जो है सुसाइड कर चुके हैं और एक जो है जो प्रोफेसर है वो भी वहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं। ऐसी ही घटनाएँ आज पूरे देश के अंदर जो है वो घट रही है। एक सांप्रदायिकता का माहौल आज हमारे पूरे देश के अंदर जो है वो हो रहा है। इसी के भी विरोध में जो है आज जो है हिमाचल प्रदेश इकाई गर्ल्स सब कमेटी जो है डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने जा रही है और सरकार से ये डिमांड करती है कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको आज जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थानों के अंदर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए कड़े से कड़े कानून जो है संस्थानों के अंदर बनाए जाए और आईआईटी मद्रास के अंदर जो है फातिमा ने आत्महत्या जो है कमिट किया है उसके अंदर जो जो है इसके अंदर जिन टीचर का जो है नाम आ रहा है उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और शैक्षणिक संस्थानों के अंदर जो है गर्ल जीएस कैश का जो है निर्माण किया जाए। जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम से जो एक कमेटी हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या है बनाई जाए। इसी के जो विरोध में जो है आज ये डीसी ऑफिस के बाहर जो